हमारे समाज के जो मुखिया जनप्रतिनिधि हो जिला परिषद सदस्य जीत क्या है, जनता ने उनको बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया है। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि 18 तारीख को आए और अपने जो ताकत है उसको दिखाएं। इसके साथ एक महासम्मेलन आप लोग कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी इसकी? देखिए, हमारे समाज के दो योद्धा थे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एवं बाबू वीर कुंवर सिंह। उनके विचार मंच के तत्वाधान में जो 18 जून को है क्षत्रिय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यह आयोजन पूरे बिहार से लोग जो हमारे समाज से जीत के आए हैं उनको हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज को फिर से वापस लाने का काम किया है, पंचायत में सरकार का स्थापना किया है। आप सोच लीजिए, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं देते, क्या हमारी माँ बहन बेटी आज जिला परिषद की सदस्य बनती, मुखिया बनती, प्रमुख बनती, BDC मेंबर बनती? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज को बहुत मजबूत बनाया है और हमारे समाज से जो जीत के आए हैं, मैं ऐसे जनता को धन्यवाद देता हूँ और आगाह भी करता हूँ कि हमारे समाज के जो मुखिया जनप्रतिनिधि हो जिला परिषद सदस्य जीत के आए हैं, जनता ने उनको बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया है, उस जिम्मेवारी पर खड़े उतरे। जनता मालिक होता है, ये सम्मान हम लोग को है कि हमारा समाज जो बटा हुआ है उसको गोलबंद करने के लिए हम जोरदार रूप से इसको ठीक करने में लगे हैं। 2020 में महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि मनाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराणा प्रताप मूर्ति का घोषणा किया था। आप लोग को मालूम है कि कोरोना का पीरियड था, पूरा विश्व से झेल रहा था, ये माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, फिर से एक दिन का राजकीय समारोह का घोषणा किया और एक मूर्ति का जो महाराणा प्रताप का मूर्ति रहेगा हार्ट ऑफ द सिटी रेडियो स्टेशन के जो आगे पार्क है उसमें लगाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। मैं उनको तहे दिल से अपने क्षत्रिय समाज की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ और 18 जून को सारे हमारे समाज को मैं निमंत्रण भी दिया हूँ सब जिला में घूम घूम कर, और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि 18 तारीख को आएँ और अपने जो ताकत है उसको दिखाएँ और अपना सम्मान लें। कितने लोगों के आने की संभावना है? देखिए, बापू सभागार का आप कैपेसिटी जानते हैं, हमारा जितना भी जनप्रतिनिधि है सभी जिला से आ रहे हैं, सारे पूरे बिहार के जितना जिला है सभी जिला से जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, वो 18 तारीख को आएँ और सम्मान समारोह में शिरकत करें। केवल आपकी के जाति के होंगे, अलग अलग जाति को भी निमंत्रित कर रहे हैं? नहीं, हम अपने समाज को निमंत्रित कर रहे हैं, सुन लीजिए, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू जो सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका उद्घाटन करेंगे, और मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, लेसी सिंह जी, सारे लोग रहेंगे, हमारे भाई लोग रहेंगे, जयकुमार भाई रहेंगे, सेतु रहेंगे, छोटू सिंह रहेंगे, मंजीत सिंह रहेंगे, राणा रणधीर सिंह रहेंगे, हाँ पूर्व सांसद मीना सिंह जी रहेंगी, विधायक रिंकू सिंह रहेंगे, बस सारे लोग हम लोग रहेंगे, उन जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह जो मनाया जा रहा उसको स्वागत करने। आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।